क्या करूं मैं? तुम बताओ, आमिर को फोन कर लूं क्या? उन्हें पता है हम परेशान हैं। जाहिर है वो कर लेंगे। सोना डियर, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये बताओ, कल की जो डांस पार्टी है उसमें कौन से शूज पहनूं? कौन से अच्छे लगेंगे, ये या ये? रियली अम्मी, आप सिर्फ इसलिए परेशान हो? परेशान नहीं डियर, एक्साइटेड हूँ बस। क्लब की पार्टी में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। दोनों ही सही नहीं, ऐसा करती हूँ बाजार जाकर एक नया पेयर खरीद लाती हूँ। आमिर की कॉल नहीं आई, फिक्र हो रही थी। हम कॉल कर ले क्या? जरूरत नहीं। ये बताओ कि अभी तक कोट क्यों नहीं आया मेरा ड्राई क्लीनर से? सुबह भिजवा देंगे वो, अर्ली मॉर्निंग। अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अफसोस, क्या कहूँ, अल्फाज ही खत्म हो गए। जरूर वही आए होंगे, मैं जाके देखती हूँ। इंशाल्लाह खैरियत से आए होंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू मॉम। भाई, रियान कहाँ है? इंशाल्लाह जहन्नुम में होगी। कहाँ थी तुम? परेशान हो रहे थे हम। माफ करना, मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। माफी चाहती हूँ मैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। आमिर, कॉफी पीते हैं और गपशप करते हैं, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी। हाँ, फिर किसी वक्त मॉम। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? आप ठीक हैं सिस्टर? क्या फिलहाल है तुमने बने मुझे? काम हो गया, यही हमारा मकसद था। जबरदस्त। गाड़ी में डालो इसे। हाँ। लड़की, गाड़ी में बैठ जा। चलो जल्दी गाड़ी में बैठाओ लड़की को। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बचा लिया आपने आज। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी होता तो ऐसा ही करता। लेकिन ये सब करने के लिए आप पाबंद नहीं थे। इस्तांबुल शहर से वाकिफ नहीं हूं और अकेले पैदल वापस आने पर इंसिस्ट किया तुमने। ना फोन पास था तुम्हारे, ना पैसे।
समझ नहीं पाया किस किस्म की बहादुरी है ये। आखिर इस जिद से क्या साबित करना चाह रही थी तुम? घर से लेकर कैसे गए थे शायद ये भूल रहे हैं। फिर यूं हुआ कि बादशाह ने बहुत बुरा महसूस किया जब उसे मालूम हुआ कि उसका पसंदीदा घोड़ा अस्तबलदार ने नहीं चुराया है। तब उसे कैद में डालने पर बादशाह को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो खुद चलकर अस्तबलदार के पास गया और उससे मुआफी मांगी, ये ख्याल किए बगैर कि वो एक बादशाह है। अस्तबलदार बोला, आप तो एक अजीम बादशाह हैं, आपको मुआफी मांगने की जरूरत नहीं, रहने दें। मगर बादशाह ने कहा, नहीं, ये मुआफी साबित करेगी कि बादशाह भी गलत हो सकता है। तब अस्तबलदार अपने ओहदे पर बहाल हुआ और बादशाह पहले की तरह सुकून की नींद सोने लगा। जिस तरह बादशाह ने माफी मांग ली उसी तरह किसी और को भी मांगनी होगी। एक्स्ट्रा टांगे चाहिए मुझको, आज तो बहुत थक गई। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? मुंह लटकाए क्यों बैठी हो निगार? हाँ? मुझे बहुत दुख हो रहा है बहू साहिबा। बहू साहिबा? बेचारी, हर कोई उन्हें बुरा समझ रहा है। समझ लूंगी बेचारी अगर टाइम मिला तो, अभी मुझे बहुत काम है। अल्लाह ना करे अगर आमिर साहब ने छोड़ दिया उन्हें। तुम्हें क्या सैफर? हाँ? मुझे क्या, हमारा क्या लेना देना? हमारा कोई लेना देना नहीं तो क्यों लुगाई बजाई करती हो? जावेदा मैम का क्यों साथ देती हो? इसलिए साथ देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों बेरोजगार हो जाएं। बस अब ऐसी फजूल बातें मत करना तुम, अगर जावेदा मैम ने सुन लिया तो खड़े खड़े निकाल देंगे हमें। सच्चाई जानते हुए कैसे खामोश रहें? तुम जिस बेचारी रयान की बात कर रहे हो ना, वो मालकन है यहाँ की और हम नौकर हैं। अकल से काम लिया करो, कहीं पछताना ना पड़े हमें। कोई प्रॉब्लम है क्या इनकार? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? रियली? कोई बात है क्या? किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले सिर्फ मुझे पता चले। जी बिल्कुल जावेदा मैम, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारे इस बातूनी बन की वजह से होगा, समझे? ज़बान बंद रखा करो। बहुत अच्छा मेरी मालकिन। वो घूर क्यों रही थी? उन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? शायद नहीं सुना, अगर सुन लिया होता ना तो अब तक तूफान आ गया होता इस घर में। जाने दो। Thank you.
कैसे कर सकती हो तुम ये रेहान? उसके गले कैसे लग गई जिसकी नजर में तुम्हारी अहमियत नहीं? कैसे कर सकती हो तुम ये रेहान? एंजिर जी, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, देखना चाहोगे तुम? हाँ भाई, देखोगे तुम। चलो आ जाओ, फिर चलते हैं खिड़की की तरफ। चाय लेकर आती हूँ मैं। रुको रुको, आज मैं करूंगा काम। और बताओ, रात में ठीक से सोई थी? कहाँ सोई, पूरी रात करवटें बदलती रही मैं। सुबह आसान के वक्त थोड़ी देर आंख लगी बस। बहुत जरूर कोई हल निकाल लेंगे। जाहिर है हम यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते। मसला यहाँ रहने से हल नहीं होगा। वो जो आदमी है ना कमाल, वो ढूंढ सकता है मुझे। परेशान मत हो। कैसे ना लूं टेंशन? हाँ, हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उस बच्ची के अफवाह का इल्जाम नहीं। अच्छा चलो नाश्ता करो, भूख लगी होगी ना। आज मुझे घर जाना है, कपड़े लाने हैं, चेंज करूंगी, दो दिन से पहने हुए हैं। पुलिस ताक लगाए बैठी होगी, वहां पकड़ी जाओगी। यानी जो कुछ चाहिए मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल भी नहीं दाजी, वो तुम्हें पकड़ लेंगे और मुझ तक पहुंच जाएंगे। हाँ ये चखो जरा, चेरी जैम है ये, बहुत लजीज है। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये? मिशाल, मिशाल याद आ गई एकदम, उसे भी चेरी जैम बहुत पसंद है, मेरी स्वीट हार्ट। मुझे भी बहुत पसंद है ये, लेकिन तुमने कभी मुझे स्वीट हार्ट कह के नहीं पुकारा। चले सो रहे हो? अगर से पता चल जाए कि बॉस का प्लान क्या है। मिशाल, नाश्ता कर रही होगी वो यकीनन इस वक्त। अच्छा बेटा, कम से कम ये तो खा लो। जरा मेरी बात सुनो, मुझे पता है इसे क्या खाना है। मेरी शहजादी, चलो मुंह खोलो, शाबाश। जबरदस्ती ना कीजिए, इसका दिल नहीं चाह रहा। इधर आओ, मेरी बात सुनो जरा। बात सुनो, तुम्हें बताऊं इसका मसला क्या है, मगर देखो सुन के मुझ पे गुस्सा मत करना। लैला चली गई है इसलिए कुछ नहीं खा रही है। नहीं, इसने तो कल भी नहीं खाया था। जेली खिलाई थी तो खा ली थी इसने कल। भाई
आखिर तुम क्यों लाए थे उसे घर जब भरोसा ही नहीं था? किसी ना किसी पर तो भरोसा करो। भरोसा करना आसान नहीं, याद नहीं वो कैसे दाखिल हुई थी? चीजें चुराने वाली भला एक बच्ची को चुरा सकती है? मुझे कुछ काम है, आप जरा मिशाल को देख ले। मैं बात कर रही थी लैला की, वो काम कहकर चलती है। कैसे बताऊं इस बच्ची का मसला? निगार, एक फ्रेश ऑरेंज जूस लाओ मेरे लिए। मैंने कापा बना रही है, अभी लाती हूँ मैं। नाश्ते के टेबल पर भी नहीं आना चाहती हूँ तो। रयान मैम की चाय ठंडी हो गई है, मैं गरम ला देती हूँ। अभी लाने की जरूरत नहीं है, जब वो आएगी उस वक्त ले आना। बेटा, मेरी वजह से कर रही है वो ऐसे। अरे नहीं माँ, भूख नहीं होगी उसे। नहीं मेरे बच्चे, ये ठीक नहीं। हालांकि यहाँ तो सभी उसकी बहुत केयर करते हैं। आराम से गला बंद हो जाएगा। अम्मी ऐसी बातें करेंगी तो जाहिर है गला चोक ही हो जाएगा। बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो तुम। इतनी आजादी तो उसे अपने गांव में भी नहीं होगी। जब चाहे मुंह उठाकर निकल जाती है, ना कोई फोन ना कोई पैसे। हर कोई परेशान हो जाता है, जाहिर सी बात है। हर कोई तो परेशान नहीं हुआ यहाँ, कुछ बिल्कुल सुकून से भी थे। बाज लोग बजाहिर सुकून से होंगे, मगर जैसे दिखते हैं वैसे नजर नहीं आते। सोना डियर, तुम अभी यंग हो, मैच्योर हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैं यंग हूँ, मगर तजुर्बा उम्र से नहीं होता। फिक्र करने वाले लोग अलग से ही पहचाने जाते हैं। सोना जी, बताइए आप लोगों को कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा की इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो। मॉम प्लीज छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें? हर किसी पर एक लेबल लगा हुआ है अम्मी के दिमाग में। सोना नाफरमान, आमिर बेचारा मजलूम, रेयान साजिशी बहू, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। सोना चुप हो जाओ प्लीज। ठीक है, आप लोग खाएं आराम से। सोना रेयान की वजह से बिगड़ रही है ये। रात तुम्हारे आने से पहले बहुत वाबेला किया इसने, बहुत अफरा तफरी हुई। समझ ही नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूं इसे। मॉम मैं बात करता हूं इससे, आप फिक्र मत करें, इजी हो जाए। कैसे इजी हूं बेटा? मेरी 30 साल की शादी दांव पर लग गई है। मैं तो इस शौक से निकल ही नहीं पाई, और अब तो बच्चों के साथ बैठकर सुकून से नाश्ता करना भी महाल हो गया है। साल की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड बनता है। रिश्ता कुछ ऐसा हो गया है कि जितना कम मिलेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। तुम बताओ मुझे ठीक कह रही हूं ना? मैनेजर मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है और अपनी मानने पर मजबूर करता है। अपनी अम्मी से मुझसे माफी मंगवाई। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे खुद पर है। मुझे बेवकूफ बनाता है तो मैं बन भी जाती हूं, उसके गले भी लग गई। अकल जो नहीं है मुझ में बिल्कुल,
या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि जितना जल्दी हो सके सच सबके सामने आ जाए। सच्चाई क्या है सब लोग जान ले। काश के तुम बोल सकते तो सबसे पहले आमीन कहना सिखाती तुम्हें मैं। इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही है? अगर ये कह दूं कि रियान बेगुनाह है तो नौकरी चली जाएगी, अगर नहीं कहूं तो अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा। सैफर कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कुछ कहा क्या? यकीन करो कुछ कहा हो तो मैंने सुना तो नहीं है, मगर लगता है कोई बोझ है तुम्हारे सीने पर। बताओ मुझे अगर कोई मसला है तो, और मुझसे छुपाना मत। नहीं। हद है यार, खेल शुरू हुआ नहीं और तुमने हार मान ली। कहीं पैसे वैसे का मसला तो नहीं है तुम्हें? पैसे का कोई मसला नहीं आमिर साहब। देखो घर में किसी को भी पता नहीं चलेगा, घबराओ नहीं, निगार को भी नहीं, हमारे बीच रहेगी ये बात। नहीं आमिर साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्रिया। दरअसल कुछ प्रॉब्लम तो है मगर। मगर क्या? मगर वो मुझसे मुतालिक नहीं है आमिर साहब। क्या बात कर रहे हैं ये? अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की ना तो फिर देखना सफर। यानी तुमसे मुतालिक नहीं है तो फिर किससे मुतालिक है सफर? भला ये मुमकिन है कि पुलिस इतनी जल्दी मेरा पीछा छोड़ दे? जो तुमने कही थी वो सब चीजें रख दी हैं। एक स्कार्फ मिला था वो भी रख दिया है, बहुत ठंड है ना इसीलिए। शुक्रिया आंटी आपका बहुत। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में जरूर याद रखिएगा, हमेशा जरूरत रहेगी आपकी दुआओं की। अच्छा कहा सुना माफ कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, और तुम्हारा क्या कहा सुना, बल्कि तुम मेरा कहा सुना माफ करना, तुम्हारे एहसानात कभी नहीं भूल सकती। फजीलत आंटी खुदा जाने अभी कितने दिन और नहीं मिल सके हम आपके, कुछ दिन सहूलत से निकल जाएंगे इससे, और वैसे लड़कों को बता दिया है मैंने, वो देखभाल कर लेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी सूरत हाल में भी तुम दूसरों का सोच रही हो, कितनी अच्छी हो तुम। चले ठीक है आंटी, चलती हूँ मैं। लाला रुको, रुक जाओ लाला। छोड़े मेरा हाथ, मैंने शोर मचा दिया ना पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा, छोड़े मुझे। मैं जान गया हूँ मिशाल को तुमने अगवा नहीं किया। चलो बताओ मुझे क्यों इतने परेशान लग रहे हो तुम। चलो फिर निगार से पूछ लेता हूँ, उसे पता होगा यकीनन, मगर जानता हूँ इतने आराम से बताने वाली नहीं है। अरे नहीं नहीं आमिर साहब। शुरू हो जाओ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ मैं। बोलो। दरअसल आमिर साहब। अरे तुम यहाँ हो सैफर, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें।
आमिर साहब बहुत माजरत, सैफर की किचन में फौरी जरूरत है। हम बात कर रहे हैं, अभी आ जाएगा। मैंने पापा ने लिस्ट तैयार कर ली है। कहा ना, बस आ रहा है दो मिनट में, तुम जाओ। हाँ बोलो सैफर। जी आमिर साहब, वो आगे बोलो। कह रहा था कि कैसे बताऊं मैं। ऐसा ना करो सैफर, जरा सा तो झगड़ा हुआ है, अब तुम आमिर साहब से शिकायत करोगे। वो असल में बेसोचे समझे बोल देती हूँ कभी कभार मैं। सैफर तो मुझसे नाराज ही हो गया। सैफर, इस बात से तो हम भी वाकिफ हैं कि निगार की बोलने की आदत है। जी जी, अस्तग़फ़िरुल्लाह। सैफर को परेशान नहीं देखना चाहता मैं निगार, बैठ कर मसला हल करो। अगर ये दोबारा तंग करे तो बताना मुझे। अकल नाम की चीज भी है तुम्हारे अंदर क्या? मुंह बंद रखने को कहा था ना मैंने तुम्हें। किसका फोन है? अम्मी का। बात सुनो, अगर वो यहाँ आने का कहें तो उन्हें मना कर दो। पहले ही हम इतने मसलों में हैं, मजीद नया मसला नहीं पाल सकती मैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सैफर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं अम्मी। तुम्हें याद कर रही थी, बस और कोई परेशानी नहीं मुझे। अम्मी बहुत मसरूफियत है, आ नहीं पा रहा बस। हाँ हाँ बेटा, जानती हूँ। शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ सारमा बनाया है मसालेदार, गोभी भी है साथ में, तुम शौक से खाते हो ना, थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए ना तो आके खा लेना मेरी जान। जी जी ठीक है अम्मी, जरूर आऊंगा। हाँ भाई जाओ, अपनी प्यारी अम्मी के पास जरूर जाओ और जाके खूब बुराइयां करना मेरी। मुसीबत है, एक बार मेरी बात सुन लो फिर चाहो तो चली जाना। क्या है ये? क्या ये कोई नया गेम है आपका? मुझे बातों में लगा कर रखें ताकि पीछे से पुलिस आ जाए, है ना? कोई पुलिस नहीं आ रही, हमने फुटेज में सब कुछ देख लिया है। मिशाल खुद घर से निकलकर तुम्हारे पीछे गई। मुझे क्यों नहीं पता चल सका इसका? पुलिस को बता दिया आपने इस सब के बारे में? पुलिस के साथ ही बैठकर देखा, अब गिरफ्तार नहीं करेंगे तुम्हें। अच्छा तो सुन रही हूँ मैं। बोले क्या सुन रही हो? यानी ऐसे सिचुएशन में अच्छे लोग कुछ अच्छे अच्छे जुमले बोलते हैं जो जरूरी होते हैं। मसलन मैंने बहुत ज्यादती कर दी, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, माफ कर दो मुझे लैला। वैसे भी आपसे इन सब बातों की तवक्को नहीं, लेकिन इंसान सॉरी कह देता है शायद। जॉब पर वापस आओगी? सॉरी का कह रही, और मैंने जॉब पर वापसी का कहा है। देखिए मिस्टर जेलर, ओह मेरा मतलब कमाल साहब, आप सॉरी नहीं करेंगे तो मैं वापस नहीं आऊंगी। सोच लीजिए, आपकी मर्जी है। हमारा एग्रीमेंट हुआ था, भूल गई तुम? एग्रीमेंट की मुझे कोई परवाह नहीं, हर चीज दांव पर लगा चुकी हूँ, आपको अपना फाइनल फैसला बता दिया मैंने। और मिशाल, मिशाल का क्या होगा फिर? वो खाना नहीं खा रही, बिल्कुल छोड़ दिया है। मगर इस बार घर के सारे रूल्स मेरे बनाए हुए होंगे। देखो, इसका मतलब है कि तुम वापस नहीं आना चाहती। अपने रूल्स पर आओगी। अब रूल्स भी बताता हूँ। सबसे पहले तो मना है का लफ्ज मना हो जाएगा। हर रोज आप एक चॉकलेट नहीं दो चॉकलेट लाया करेंगे, एक मिशाल की और एक मेरी, और इसके अलावा गार्डन में खेलने का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, खाने की कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं होंगी हमारी, जब हमारा दिल करेगा हम लोग उठकर खा लेंगे, और हम किचन में जाके पास्ता केक बिस्किट जो चाहेंगे अपनी मर्जी से बनाएंगे। नामुमकिन है ये। हाँ टीवी भी, एक घंटा हम टीवी देख सकेंगे, सिर्फ एक घंटा, समझ गए ना अच्छी तरह? अब मैं आती हूँ असल रूल की तरफ, घर में गुस्सा नहीं करेंगे। अरे भाई ये रूल तो आप ही के फायदे का है ना, हालत देखिए अपनी। अब अपनी ये फजूल की बातें बंद करो। म्यूजिक कीबोर्ड मिशाल के लिए।
और एक फ्लूट मेरे लिए। हम दोनों म्यूजिक बजाया करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्या शोर हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो गया, बंद करो इसे। और कुछ? अच्छा तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट। अभी तो बताया है कि घर में गुस्सा नहीं करूंगा मैं। नहीं, और भी इम्पोर्टेंट, बल्कि इंतहाई इम्पोर्टेंट रूल, घर में आपके कोई रूल्स नहीं चलेंगे। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं तो, मिशाल की और सारे घर वालों की खुशियों के लिए नए रूल्स बना रही। देखो, अगर तुम्हें वापस नहीं आना तो सीधे तरीके से कह दो कि नहीं आना, खामखा के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक बार सिर्फ मेरे बनाए हुए रूल्स ट्राई करके देखे, क्योंकि आपके बनाए हुए रूल्स तो बेकार साबित हुए। मेरे बनाए हुए रूल्स मिशाल की बेहतरी के लिए ही थे। ठीक है, मैं जवाब समझ गया तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह भाई, ऐसी भी क्या गलत बात कहती थी मैंने इनको। गलती कर दी यार, रियान की पिक्चर भेज के मैंने बड़ी गलती कर दी। तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं, आज और अभी, बहुत जल्दी है। इतना अर्जेंट? कुछ हो गया है क्या? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो सोना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पिक्चर से नजर ही नहीं हटती। कुछ कहा नहीं तुमने जवाब में, इस वक्त बहुत काम है मेरे पास, बॉस से पूछ नहीं सकती निकलने का। सोना प्लीज कोई रास्ता निकालो, मैं करीब से देखना चाहता हूँ तुम्हें। तुम जिसे देखना चाहते हो वो मैं नहीं, रियान है। कह दो कि तबीयत खराब है तुम्हारी, आज डॉक्टर के पास जाना है। तो कब मिल रही हो फिर? मालूम नहीं, इंसिस्ट मत करो। ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकती तो फिर मैं आ जाता हूँ। ये तो मसला ही बन गया है। वुराल, आई एम सॉरी, मगर बेहतर यही है कि तुम ना आओ। अब क्या कहेगा, कोई जवाब नहीं देगा। मैंने अपना इकलौता दोस्त खो दिया। ओके, इजी हो जाओ सोना, यही बेहतर होगा। कुछ दिन में वो रियान की पिक्चर को भी भूल जाएगा। ना मेंशन का एड्रेस दिया है मैंने और ना बताया है कि मैं कौन हूँ। अल्लाह का शुक्र है नहीं बताया मैंने। रियान कल रात बहुत देर से घर लौटी जैमरे, सुबह नाश्ते पर भी नहीं आई वो। आमिर ने कुछ नहीं कहा? अरे बस जैमरे डियर, आमिर तो उसकी परवाह ही नहीं करता जरा भी। रियान का असल रूप जो देख लिया उसने। मगर फिर भी वो रह तो उसी घर में रही है ना? आमिर को तो तुम जानती हो, सही वक्त का इंतजार करता है। रियान को इस तरह इग्नोर करेगा? वो अपने प्लान पर अमल कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मुझ पर भरोसा रखो। बहुत जल्द हर कोई अपनी अपनी डिजर्विंग जगह पर पहुँच जाएगा। रियान गाँव वापस और तुम आमिर के साथ।
मुझे भरोसा है जावेद आंटी आप पर। यकीन है आप जो कुछ भी कर रही है वो सब हमारी खुशी के लिए ही कर रही है। हाय जेमरी डियर, बहुत अच्छी लगी तुम्हारी बात। हाँ बाय द वे, डांस पार्टी का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला मुझे। कोरियर ने लेट कर दिया होगा, मैं देखकर बताती हूँ आपको। हाँ असल में लोगों को पता चल गया है ना, अगर किसी मसले की वजह से मैं ना आ सकी पार्टी में तो बहुत बातें बनाएंगे लोग। मैं हर सूरत पार्टी से पहले इनविटेशन पहुँचा दूंगी, डोंट वरी जावेद आंटी। ओके जी, हाँ पार्टी में तुम्हारी अम्मी से भी बात करनी है, उनकी नजरों में कहीं इमेज खराब ना हो मेरा। जेमरी डियर मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ओके लव यू। कुछ नहीं समझ आता कि कब अपसेट है कब गुस्सा कर सकता है मुझ पे, इसलिए बेहतर है कि फासला रखूं। मैली कापा ने भिजवाया है, आप नाश्ते की टेबल पर नहीं थी ना? बिला वजह जहमत की मुझे भूख नहीं है। शायद तुम रूल्स भूल गई हो निकार, नाश्ते और डिनर का टाइम फिक्स है मैंशन में, क्या भूल गई हो? लेकिन रियान मैम नाश्ते पर नहीं आई थी ना? जबान मत चलाओ, उठाओ ट्रे और ले जाओ। ये तुम्हारा गांव नहीं है, इतना तो मालूम ही है ना, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेंगी। देख रही हूँ तुमने बहुत पर निकाल लिए हैं, कमरे में नाश्ता मंगवाना शुरू कर दिया है। मैंने नहीं मंगवाया, मगर चले अगर आप कह रही हैं तो आइंदा ख्याल रखूंगी मैं। जो टिकने की कोशिश कर रहे हो, हैरत होती है उन्हें देखकर, कितने आराम से तुम जा सकती थी, लेकिन इतनी इंसल्ट और हिकारत के बावजूद तुम यहीं पड़ी हो। या अल्लाह मुझे सब्र दे कि मैं अपने मामू जान से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं, मुझे हिम्मत दे मेरे अल्लाह। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी जानती हो, उसने भी दिखावे की इज्जत का लिबादा ओढ़ा हुआ था, अदाकारा थी जबरदस्त, मगर हकीकत कुछ और है। तुम दोनों में खुदारी जरा नहीं, चौंक की तरह चिमट गई हो हिकमत को। आपसे पहले भी कहा है कि अम्मी के बारे में कुछ मत कहे। कौन रोकेगा भला मुझे, तुम जो चाहूंगी कहूंगी मैं, और तुम मेरी हिलाई हुई डोरी पर नाचोगी, घुटनों के बल चलती हुई आओगी, मेरे पांव पकड़कर मिन्नतें करोगी। याद रखना तुमने खुद आकर माफी मांगी थी और मैंने वो बात खत्म कर दी थी। वो माफी, उस माफी की कोई अहमियत नहीं और ये बात आप भी जानती हैं। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। सैफर बहुत इंतजार करना पड़ा तुम्हें, मिशाल अभी अभी सोई है बस। हाँ अब मैं लगाती हूँ तुम्हारे लिए मजेदार सा खाना। लजीज है, शुक्रिया अम्मी। मेरा बेटा सैफर तो इतनी देर में प्लेट खत्म कर चुका होता और उंगलियां चाट रहा होता। अब बताओ क्या हुआ। हाँ
कुछ नहीं अम्मी, भूख नहीं है। खामखा पूछ रही हूँ, वजह तो पता ही है मुझे। मालूम है, फिर याद आ रही होगी तुम्हें वो आसिया। अम्मी ये बात मत निकाले। और निगार मेरे साथ तो बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ है फिर? देखो जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें जब तक बताओगी नहीं। अम्मी कुछ बात पता चली है, मगर 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 वो बात मेरे दिल पर बोझ बन गई है। अगर मैं सच सच बता दूं वो बात तो कोई झूठे इल्जामों से बच जाएगा। तो क्या सोच रहे हो, बता दो, सच सच बता दो वो बात। मगर जिसने बताई है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, दिमाग घूम चुका है मेरा। सच्ची माँ के सच्चे बेटे हो तुम, डरो मत किसी से। जो झूठा है वो खुद भुगतेगा इसका नतीजा। मैं हमेशा क्या बताती हूँ, यही कि सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। हाँ तो फिर सच की राह में मौत से भी ना घबराना कभी, हमेशा हक का साथ देना चाहे कोई साथ हो या ना हो।